एक तरफ ओवैसी के नाम का इस्तेमाल ओम प्रकाश राजभर आजम खान को मनाने के लिए कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी हैदराबाद में बैठकर इशारों में यूपी के बुलडोजर एक्शन पर निशाना साध रहे हैं। सियासत के कई मायने निकलते हैं, ये सिर्फ संयोग है या फिर यूपी में कैसे नए सियासी समीकरण का प्रयोग परवान पर है जिसका अब तक ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ। लेकिन अभी से इस बात की चर्चा है कि आजम खान और ओवैसी अगर एक साथ आए तो फिर इसका प्रोमो दमदार होगा। अब सवाल है कि क्या ओम प्रकाश द्वार पर इसी आशंका को खत्म करने के लिए आजम से मिलना चाहते हैं या फिर सपा के रूठे नेता को मनाने के नाम पर वो अपनी अलग गुप्त खिचड़ी पकाने की तैयारी है। कल तक साथ साथ और अब अदावत की बात। पिछले साल जब तक ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ खड़े नहीं हुए तब तक वे ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के गीत गा रहे थे। 10 दलों का भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बना रखा था, खुद उसकी अगुवाई कर रहे थे। इसमें AIMIM की भी भागीदारी थी। ओवैसी के साथ साथ शहर शहर घूम रहे थे, लेकिन चुनावी मौसम में सियासी राहें क्या अलग हुई, चुनावी नतीजे में ओवैसी का सपना क्या टूटा, अब ओम प्रकाश राजभर आजम खान की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं और ओवैसी की हैसियत नाप रहे हैं। 27 अक्टूबर 2021 को मऊ के हलधरपुर में राजभर ने अखिलेश यादव के साथ रैली की और इसने ऐलान किया कि सपा के साथ ही अब वो सियासत में कदम मिलाएंगे। इसके साथ ही ओवैसी के साथ राजभर का साथ छूट गया। बात 6 महीने पुरानी हो गई, लेकिन अब एक बार फिर राजभर ने ओवैसी को याद किया है, पर बजे आजम का गुणगान करना है, इसके लिए वो ओवैसी पर हमलावर कि वो MY में M के बड़े नेता मानी आजम खा जी हैं, समाजवादी पार्टी में वो बड़े नेता हैं और बड़े नेता की भूमिका में हमेशा रहे हैं। भाई यूपी में तो इनका सिक्का चलता है, उनका का चलता है? ओवैसी जी का चलता है? ओवैसी जी एक पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसलिए कहा जाता है कि राजभर के सियासी कदम को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन राजभर की जुबान पर इस वक्त आजम ही आजम है। यहाँ ये भी गौर करना जरूरी है कि राजभर कभी शिवपाल यादव के भी बेहद करीबी रह चुके हैं, प्रमोद कृष्णम से भी उनकी दोस्ती रही है। अब सवाल है कि आखिर यूपी की सियासत में आजम के नाम पर कौन सी खिचड़ी पक रही है। राजभर ओवैसी पर तब हमलावर है जब उनका हैदराबाद में दिया गया एक बयान चर्चा में है। इसमें ओवैसी भावुक दिख रहे हैं, वो लगातार भाजपा पर हमलावर है। जरूर हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। कोई कहता है कि हमको डर हो रहा है, कोई कहता है कि हमको फिक्र हो रही है। मैं आप तमाम के दरमियान में ठहर कर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं, भारत खाने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। भले ये बयान ओवैसी ने हैदराबाद में दिया हो, लेकिन इशारा यूपी को लेकर है। भले ओवैसी हैदराबाद में ये बोल रहे थे, लेकिन उनकी नजर यूपी पर, उसी यूपी पर जहां सपा के दिग्गज नेता आजम खान को उनकी पार्टी चिट्ठी लिखकर न्योता दे चुकी है कि आप आए और हमारे साथ मुसलमानों की रहनुमाई करें। तो क्या अंदर ही अंदर एक बड़ा सियासी समीकरण आकार ले रहा है? जिनको डराया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, अल्लाह सूरज कबूज में कह रहा है, हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डर कर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। क्या मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ओवैसी कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं? क्या इस तैयारी का हिस्सा आजम खान भी होने वाले हैं? क्या इस प्लान में आजम का नाम भी आ सकता है?
क्या इसी की भनक पाकर अब सीतापुर की जेल में ओम प्रकाश राजभर पहुंचकर आजम से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और ये समझाना चाहते हैं कि ओवैसी की ललकार का यूपी में कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हमारे साथ बने रहे तो आपका कद और ऊंचा होगा। अब देखना ये है कि इस सियासत का नतीजा क्या निकलता है, इस बयानबाजी से आगे और क्या होने वाला है। इस बीच सीतापुर की जेल में छापेमारी की चर्चा ने अटकलों को और हवा दे दी है। कहने को तो ये रूटीन जांच है, लेकिन अटकलों की हवा में कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। आखिर इस जेल में आजम खान जो बंद है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।